हेलो दोस्तों, स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन गवर्नमेंट जॉब में। हम हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट वाइज जीके कंप्लीट कर रहे हैं और अब तक हमने हरियाणा के 3 मंडल पूरे कर लिए हैं। चौथा मंडल चल रहा है अपना। एट प्रेजेंट हरियाणा में टोटल 6 मंडल हैं। पहला है अम्बाला, उसके बाद करनाल, फिर हिसार, नेक्स्ट रोहतक, गुरुग्राम और फरीदाबाद। अब जो हम मंडल कर रहे हैं वो है रोहतक। रोहतक मंडल हरियाणा का सबसे बड़ा मंडल है और इस मंडल में 2 ऐसे ज़िले आ रहे हैं जिनको हरियाणा के बाहर किसी भी राज्य की बॉर्डर टच नहीं करती। एक तो रोहतक है और दूसरा आज का डिस्ट्रिक्ट हमारा चरखी दादरी। तो रोहतक मंडल के अंदर सबसे पहले हमने किया था सोनीपत डिस्ट्रिक्ट, फिर आया रोहतक और अब कर रहे हैं हम चरखी दादरी। नेक्स्ट जो करेंगे वो होगा भिवानी। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास चरखी दादरी। चरखी दादरी हरियाणा में अभी जिला अलग होके बना है भिवानी से। ठीक है, और ये बना कब है, इसकी स्थापना हुई है अभी 19 नवंबर 2016 को। फिलहाल इसके क्षेत्रफल की एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, तो इसलिए मैंने इसका स्पेस ब्लैंक छोड़ रखा है, क्योंकि जहाँ भी देखो ये इसका क्षेत्रफल भिवानी और चरखी दादरी दोनों को मिला के इकट्ठा दिखा रहे हैं। ठीक है, लिंग अनुपात का भी हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं आया फिलहाल। हाँ, साक्षरता दर इसकी है 70% यानी 70%, और जनसंख्या है इसकी 44,892। नेक्स्ट आता है इसके उपमंडल, तहसील, उप तहसील और खंड। दादरी के अंदर 2 उपमंडल आते हैं, एक दादरी और एक बाडड़ा। दोनों ही मंडल तहसील में भी आते हैं, यानी तहसील भी सेम है हमारे पास, दादरी और बाडड़ा। चरखी दादरी में कोई भी उप तहसील नहीं है। इसके 4 खंड हैं। पहला है दादरी, फिर है बोंद, उसके बाद है झुंझू और फिर है बाडड़ा। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके प्रमुख उद्योग। इसमें प्रमुख उद्योग जो है वो एक ही है, सीमेंट उद्योग। ठीक है, सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट आते हैं इसके पर्यटन स्थल। बाबा मुखराम नाथ की समाधि, ये कहाँ पे है, दादरी में कुपरी पहाड़ियाँ, उनके अंदर बहुत से साधुओं की समाधि है वहाँ पे, जिनमें से एक प्रसिद्ध साधु जो है वो है बाबा मुख रामनाथ की समाधि। ठीक है, नेक्स्ट है इसका पर्यटन स्थल रेस्ट हाउस, उसके बाद हनुमान मंदिर, ये कहाँ पे है, इमलोटा के अंदर, उसके बाद है रंगीला हनुमान मंदिर और लास्ट है श्याम सर सरोवर। ओके, ये दादरी के प्रमुख पर्यटन स्थल थे। नेक्स्ट है चरखी दादरी के प्रमुख बिंदु कौन कौन से थे या इसमें विशेष बातें क्या थी। पहला तो यही आता है कि इसके नाम की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द दादुर से हुई है। संस्कृत में दादुर का अर्थ होता है मेंढक। ठीक है, तो एक पुरानी धारणा मानी जाती है कि चरखी दादरी में एक बहुत बड़ा तालाब हुआ करता था और उस तालाब में मेंढक सबसे ज़्यादा पाए जाते थे या मेंढकों की संख्या सबसे ज़्यादा थी, तो इसलिए इसका नाम रखा गया दादरी। ठीक है, एक दादरी गांव और एक चरखी गांव दोनों मिलके बने चरखी दादरी। और चरखी दादरी सबसे बड़ा उपमंडल था हरियाणा का जब ये भिवानी के अंडर में आता था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है 1857 की क्रांति में जींद के राजा ने अंग्रेजों की सहायता की थी, इसलिए अंग्रेजों ने खुश होकर दादरी जो है वो उसे बतौर इनाम में दिया था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसके प्रसिद्ध व्यक्तित्व। तो सबसे पहला नाम आता है चंद्रावती का। चंद्रावती कौन है, ये पौंडिचेरी की उपराज्यपाल थी। कब, सन 1990 में। नेक्स्ट पॉइंट है फोगाट फैमिली। हम सभी जानते हैं महावीर प्रसाद फोगाट और उनकी बेटियाँ। ठीक है, तो अब फोगाट फैमिली भी कहाँ से है, चरखी दादरी से है। प्रसिद्ध कुश्ती कोच महावीर फोगाट चरखी दादरी से ही हैं और महावीर फोगाट को द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है मास्टर हुकुम सिंह, ये हरियाणा के पूर्व सीएम भी रह चुके हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पे हिलना पत्थर, या फिर इसको बोलते हैं डांसिंग स्टोन। पूरे भारत में केवल एक ही जगह
कल्याणा गांव जो कहाँ पे है, चरखी दादरी में, वहाँ ये हिलना पत्थर या डांसिंग स्टोन पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हनुमान मेला, जो पर्यटन स्थल में हमने अभी अभी किया था। यह हनुमान मेला कहाँ लगता है, इमलोटा गांव में लगता है, तथा उसी मेले में कुश्ती का एक दंगल भी आयोजित किया जाता है। तो ये था दोस्तों हमारा छोटा सा डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरी। कल हम भिवानी करेंगे, उसके बाद हमारा रोहतक मंडल भी कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं भी आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करिए, अगर आपको सही नहीं दिख रहा तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि एक बार आप अपनी वीडियो क्वालिटी इंक्रीज़ कर लीजिए फ़ोन में। बाकी सुनने की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बच्चे का नीचे कमेंट आया था कि सुनने में थोड़ी दिक्कत है, तो हमारी तरफ से बिल्कुल सही है, एक बार आप अपने फ़ोन को चेक कर लेना। ओके, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।